इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर तो हमने देखा है ना। और जब भी हमें दो चीजों का रिलेशन देखना होता है तो हमें तीसरी चीज को कांस्टेंट रखना ही पड़ता है, डीवी। जैसे कि मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी कहीं जाती है वो ये साबित करती है कि उस दिशा में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, है ना। अब क्योंकि जस्ट इसके नीचे है तो ये भी 5 वोल्ट होगा, जस्ट के नीचे 5 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, और ये जो डिफरेंस है ये डीवी दिखाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक भी पोटेंशियल सरफेस बना लिया और यहाँ पे हमने एक ही पोटेंशियल सरफेस बना लिया, ठीक है। तो जब भी हमें ये दिखाना होता है एक पोटेंशियल सरफेस, तो हमेशा हम दो तीन फिगर्स, दो तीन पोटेंशियल सरफेसेस दिखाते हैं ई और डी आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, हम डी वी को कांस्टेंट मान लेते हैं अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। देखिए एक पैरामीटर तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना। अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, जब भी आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन निकालने की सोची, आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट माना, आप तीनों को बदल के कहीं बॉयल्स लॉ नहीं निकाल सकते, कोई कंडीशन को पॉजिटिव मान के चल, एक चीज को हमें कॉन्स्टेंट लेना पड़ता है। अब जैसे कि हम अब पॉइंट चार्ज के लिए बनाना चाहें, पॉइंट चार्ज के लिए हम दोबारा बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम एक नहीं बनाएंगे, हम तीन बनाएंगे। तो देखिए पहला हमें तो पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, तो पहला पहला जो सरफेस है वो हमने बना दिया स्फेरिकल, ठीक है, सरफेस नंबर वन। मान लीजिए ये आर की दूरी पर था, ठीक है। अब अगला वाला हम कहाँ बनाएं, ध्यान में रख के कि डीवी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा, सपोज यहां पे आंसर 5 वोल्ट आ रहा है, सपोज एग्जाम्पल ले लिया ऐसे। तो अब हमें अगला वाला, हम मान लो हम डीवी को सिर्फ 1 रखना चाह रहे हैं हमेशा, तो अगला वाला 4 वोल्ट पे हम यहां बना लेंगे, ये सरफेस 2 है। और फील्ड लाइंस आप बना सकते हो जो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ईपीएसएस के, ठीक है। पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब देखो बात तीसरे में जाके समझ में आती है, क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ पहले दो में ही दिखा अभी तक हमें, क्योंकि पहला सरफेस तो ये था 5 वोल्ट पे, दूसरा मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं 4 वोल्ट पे, अब तीसरा 3 वोल्ट पे। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, सपोज मैं ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो अगली बार जब 3 पे जाओगे ना तो आप 1 सेंटीमीटर दूरी पे नहीं बना पाओगे, जब आप 3 पे जाओगे तो वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे बनेगा। इसको मैथमेटिकली भी साबित कर सकता हूं, और मैं इसको लॉजिकली भी साबित कर सकता हूं। देखिए कैसे, ये हमारा 3 वोल्ट है, तो हमारे सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, आर दी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इक्विडिस्टेंट, तो आप क्या बोलेंगे, बिग नो, नो दे आर नॉट, बिकॉज पहला और दूसरा सर्फेसेस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, और दूसरा और तीसरा सर्फेसेस सम एक्स विच इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस हमेशा डीवी को कांस्टेंट मान के बनाए जाते हैं। अगर आप ये बात समझ जाएं तो अब आप देखिए इंपॉर्टेंट बात की, ये बेसिक बहुत सिंपल तरीके से भी कैसे साबित किया सकती है। देखिए ये डी आर है और हमने डीवी को कांस्टेंट माना है, जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो इस प्रोपोर्शनैलिटी में चली जाती है। तो आपने देखा कि ई का डी आर से रिलेशन कैसा है, इनवर्स, यानी कि जब ई घटेगी तो डी आर बढ़ेगा, यानी कि सेपरेशन बढ़ेगा। जब हम चार्ज से दूर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, तो 1/r² की जो ई की प्रोपोर्शनैलिटी होती है डिस्टेंस से, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने में घटेगी, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, ठीक है। अब इस दिशा में घट रही है, देखो हमने एरो क्या दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है तो सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसेस बढ़ता है, तो जब दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन भी बढ़ेगा, पहले सेपरेशन कम था अब सेपरेशन बढ़ गया। तो हमेशा ध्यान रखें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में ई प्रोपोर्शनल टू 1/dr का बहुत महत्व है जब भी आप बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इसके पीछे की वजह बताता हूं, क्योंकि आपने डीवी कांस्टेंट लिया है इसलिए सब कुछ ही हो रहा है।
जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपने कोई चार्ज ले लिया से 1, मैं 1 कूलम ले लेता हूं, ठीक है। तो 1 कूलम से सपोज 1 मीटर की दूरी पर मैं पोटेंशियल निकालता हूं, कितनी आ रही है, ठीक है। वी इक्वल्स टू के इंटू क्यू, कितना 1, और मीटर में भी 1, तो आंसर पहला आ गया वी इक्वल्स टू के। तो यहां वी की वैल्यू जो है के है। अब एग्जैक्टली दो मीटर की दूरी पर देखो कितना आ रहा है आंसर, वी इक्वल्स टू, इसको वी वन मान लेते हैं, इसको वी टू मान लेते हैं। हम जानबूझ के अब 2 मीटर ले रहे हैं सेंटर से, यहां से तो 1 हो गया, यहां से 2 मीटर, तो इतना फासला कितना हो गया, 1 मीटर ही हो गया। लेट अस सी कितना आ रहा है, वी टू के इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 1 है और जो नीचे डिस्टेंस है वो 2 है, तो कितना 0.5 V है ना। तो आप लिख लीजिए इस पे, तो दूसरा सरफेस जो है स्फेरिकल है, मैं स्फेरिकल बना नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, 0.5 V। पहले तो अगर के था और दूसरा के बाय 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं वी टू क्या है, 0.5 V1 के बराबर। अब नोटिस करना, अब आएगा असली मजा। तो पहला कहता वी था और दूसरा था 0.5 V, तो बताइए इनके बीच में फासला कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, इसमें वी वोल्ट है और इसमें 0.5 V वोल्ट है, तो वी माइनस 0.5 कितना हुआ, 0.5 वोल्ट। यस और नो, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सामने आया है। अब आप चाहते हैं आगे वाले सरफेस में भी यही पोटेंशियल डिफरेंस रहे, तो अगर भैया यहां पर 0.5 है, यहां 1 है, डिफरेंस 0.5, वापस 0.5 का डिफरेंस के लिए आपकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि 0.5 यहां पर है और 0.5 माइनस 0 करोगे तभी आएगा 0.5। यस और नो, ये कितना था 1, ये कितना 0.5, फासला कितना 0.5 वोल्ट का। फिर से आपको 0.5 वोल्ट चाहिए तो आपको पोटेंशियल 0 करनी पड़ेगी। भाई पोटेंशियल 0 कब आती है, के क्यू बाय आर, आर बताइए कितना है भाई, ये तो के है, क्यू 1 है, आर कितना लोगे, लो आर निकाल लो, के इंटू 1/0 कितना आया, इन्फिनिटी। अब आ गई समझ में, ये तो 1 मीटर था, तो अब वापस करने के लिए इन्फिनिटी भी जाना पड़ेगा आपको। इसीलिए जब आप डीवी सेम रखते हो तो आपके पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। देखो मैंने मैथमेटिक्स से करा दिया, आप इन्फिनिटी भी जाके गोला बनाओगे, इन्फिनिटी बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी वो जगह होती है जहां चार्ज का असर खत्म हो जाए, वहां पोटेंशियल 0। तो